आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और इस टाइम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग स्टडी करें। आप लोग यह वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या हैं और क्या नहीं कर रहे हैं और हम लोगों को कैसे अध्ययन करना चाहिए। ये सारी आप बातों का आप लोगों का आज अंदर से ही जवाब मिल जाएगा कि हाँ हम लोग क्या करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके अंदर समझिए खून खोल जाएगा आज से पढ़ने के लिए कि हाँ पढ़ाई होता है तो कैसे होता है, आखिर टॉपर्स बन जाता है इन्हीं मतलब कि समय में से जो समय आप लोगों को मिलता है और आप लोग नहीं बन पाते हैं, आखिर क्या गलती है, कहाँ आप लोग गलती करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से आप समझाएंगे आज। देखिए एग्जाम मास्टर प्लान, आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी परेशानियों को मत दोषी ठहराइए कि मेरे पास ये परेशानी है, हम इसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों का अभी टाइम समझिए कि एक एक दिन एक एक महीना के बराबर है, याद रखिएगा। जो आप लोग का एग्ज़ाम इतना नज़दीक है ना, चाहे वो टेंथ का हो, चाहे ट्वेल्थ का हो, ठीक है ना, चाहे साइंस या आर्ट्स, तो याद रखिएगा कि आज से एक एक दिन एक एक महीने के बराबर होगा। यानी आप लोग जितना पहले एक महीना में कर रहे थे रिविज़न ना, वह आज एक दिन में करना होगा। समय काफ़ी कम है, काफ़ी। और आप लोग समझिए कि आप लोग अपने अंदर से, ठीक है ना, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। सबसे पहला देखिए क्या है, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन। यानी आप लोग क्या करिए कि आप लोग पिछले 5 साल या पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन को देख लीजिए कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी आपका 2022 में जो एग्जाम हुआ है वह कौन कौन टॉपिक से टच किया है और उससे अब क्या क्या टच कर सकता है, आप लोग खुद मालूम चलेगा। आप लोग बस वहां से क्या करिए कि टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ के का पूरा रगड़ दीजिए। बस यही तो आप लोग करना है कि जो वन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है, अब उस टॉपिक में कौन क्वेश्चन पूछ सकता है उसको पकड़िए और धा का पूरा रिवीजन कर डालिए। बस यही तो करना है। और आप लोग देखिए एक किताब को, ठीक है ना, एक किताब को आप लोग कम से कम याद रखिएगा कि जिस भी किताब को आप लोग प्रीफर किए हैं, चाहे वो NCERT हो चाहे कोई अदर बुक हो, तो आप लोगों को एक ही बुक को क्या करना है कि एक ही बुक को कम से कम याद रखिएगा कि एग्जाम में जाने से पहले 3 बार उस किताब को ख़त्म करना होगा किसी भी कीमत पर। यदि आप लोग NCERT बुक को आप लोग फॉलो करते हैं तो NCERT किताब को याद रखिएगा कि 3 बार ख़त्म करना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। वही हम लिखे हैं कि स्टडी तो करना है, हार्ड वर्क करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए। आप लोग को स्मार्ट तरीके से करना होगा स्टडी, ठीक है ना, तभी आप लोग पूरा रिविज़न आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं। और आप लोग वो कर सकते हैं ना कि जो किसी के बस के बात नहीं है। ये ज़माना की आप लोग बात मत सुनिए, ये ज़माना पहले भी बौरा था, आजो बौरा है, ये हम लोगों को बौरा बनाता है। यही है जो कहेगा कि गांव के लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप लोग कुछ कर दीजिएगा तो यही जमाना कहेगा आपको कि देखिए एक यही लड़का है जो गांव में इतना मतलब कि गांव से पढ़कर टॉपर बन गया। वही फिर देखिए एक समय था क्या कह रहा था कि आप नहीं कर सकते हैं, जब आप लोगों ने करके दिखा दिया तो फिर क्या कहने लगा कि नहीं देखिए गांव से पढ़ के भी हो सकता है, गांव का लड़का भी पढ़ के इस मुकाम को हासिल कर दिया। तो इस जमाना की आप लोग बात मत सुनिए, ये पहले भी समझिए कई लोगों को डुबा चुका है और आज भी डुबा रहा है। तो आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है और आप लोगों को बस मेहनत करते जाना है। वो खून ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो खून ही कैसा जिसमें उबाल ना हो, और वह संघर्ष ही कैसा जिसमें समझिए कि संघर्ष करने में मज़ा ना आए। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग पूरा दबा के पूरा समझिए कि संघर्ष करना है। और आप लोग अपने आप को छोटा मत समझिए कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, वह मतलब कि बहुत दिन से पढ़ रहा है, चाहे शहर में पढ़ रहा है। गाँव के लड़के क्या सोचते हैं कि शहर में पढ़ने वाला लड़का टॉप कर जाएगा क्योंकि उसके पास मतलब कि ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे टीचर होंगे।
कोई, ये सब सब फेक है, सब फेक न्यूज है, याद रखिएगा। आप लोग भी गांव में हैं, गांवे का लड़का याद रखिएगा कि टॉपर बनता है, कोई शहर का नहीं बनता है। जो शहर में पढ़ता है ना, भगवान ने उसके चार हाथ नहीं दिए हैं, ओकरा के 10 गो भगवान दिमाग निखन देले, ओकरा के भगवान एक दिमाग और 2 गो हाथ और 2 गो पैर देले बवन, जौन तो लख देले बवन। तो आप लोग का करना है पहले समझ लीजिए कि अपने आप को आप लोग को छोटा नहीं समझना है कि हम नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग क्या करना है कि सही तरीका को अपनाते हुए बस स्टडी करते चल जाना है। बस याद रखिएगा कि संघर्ष होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, याद रखिएगा। और आप लोग समझिए कि आप लोग को 12 महीना पड़े हैं, ठीक है ना, 12 महीना में आप लोग पढ़े हैं और उसका रिवीजन 28 दिन में करना है। सबसे बड़ा देखिए 28 दिन जो है ना, यही क्रिटिकल समय है। बहुत ज़्यादा समझिए ना कि इस टाइम जो सही तरीका से मेहनत कर गया वही आगे निकल गया। अब समझिए कि सही तरीका क्या है कि आप लोगों को समझिए कि स्टडी जो करना है ना वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट तरीके से करना है, ताकि जल्दी से काम निकल जाए, ठीक है ना, जल्दी से निपटारा हम लोग का रिवीजन पूरा हो जाए। ऐसे आप लोगों को मैथ में क्या करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मेरा 30 भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा। याद रखिएगा, पासा तो हम तो 12 घंटा में पलट सकते हैं, हम पासा 12 घंटा में पलट सकते हैं, ये तो 28 दिन की बात है। लेकिन एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करना होगा। आप लोग देखिए एनसीईआरटी बुक को उठाइए, मैथ में बता रहा हूँ, मैथ में आप लोग एनसीईआरटी बुक उठाइए और ओकरा में क्या करिए कि टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन क्या करिए बनाइए। मान लीजिए कि एक टाइप पर 5 गो सवाल है, तो आप 5 सवाल ना बनाइए, एक टाइप पर 2 गो सवाल बनाइए, 3 सवाल वहाँ से स्किप करिए, क्योंकि 3 सवाल स्किप करिएगा तो समय बचेगा। पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, एक टाइप पर 1 गो 2 गो क्वेश्चन बना लीजिए और नेक्स्ट टाइप पर आइए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाइए। ऐसे करिएगा तो आप लोग का जो बुक का रिवीजन है बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा। और यह देखिए कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है किस टाइप के क्वेश्चन को पिछले 5 साल में टच कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पिछले 5 साल में आपका बोर्ड एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा टच कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन को पकड़िए और पूरा धक रिवाइज कर लीजिए। यही आप लोगों को आज से करना होगा, याद रखिएगा। और आप लोग ही कर सकते हैं, कोई दूसरा करने वाला गोतिया गांव जवार नहीं आएगा, आप लोगों को ही करना होगा। आपका मंजिल है, आपका सपना है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। और जो आप लोगों को बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि जो अदर पर्सन बोलता है ना, चाहे आप लोगों का दोस्त भी रहता है, बोलता है कि अब हम लोग पास 28 दिन है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से क्या करिए कि आप लोग अपने आप को स्किप करिए, ठीक है ना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग स्टडी पर दीजिए और स्मार्ट तरीके से आप लोग को स्टडी करना है। और यह बात याद रखिएगा कि यह 28 दिन आप लोग एकदम प्रॉपर तरीका से मेहनत करते हुए आप लोग को आगे चलना है। और इसके साथ मतलब आप लोगों के साथ हम हैं। अब हम क्या करेंगे वह तो बताइए करेंगे, पहले सुन लीजिए टाइम टेबल। आप लोगों को समझिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आप लोग प्रॉपर सभी सब्जेक्ट पर एकदम एक टाइम बांध लीजिए कि हमको इतना समय इस सब्जेक्ट पर देना है तो देना है। अब आप लोगों को आज से डेली सब सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप 2 गो पढ़ रहे हैं, 3 गो छोड़ रहे हैं, यह गलती समझिए एग्जाम में आप लोग को डुबा देगा, यह गलती एग्जाम में आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझिए कि आप लोग अपने ज़िंदगी में खुद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग को आज से टोटल क्या करना है कि 5 सब्जेक्ट है, चाहे जितना भी सब्जेक्ट है, आप लोग डेली ओकरा पर टाइम दीजिए, भले 1 घंटा ही टाइम दीजिए, लेकिन हाँ डेली ओकरा पर टाइम दीजिए। 28 दिन है बाबू, पूरा एकदम जी जान, जितना अंदर खून में उबाल है, जोश जुनून पूरा है ना, पूरा लगा दीजिए। 28 दिन के बाद ओकरा बाद आप लोग खुद कहेगा कि ना सर मेहनत हुआ था यह 1 महीना। यह देखिए आप लोग का 12 महीना का संघर्ष याद नहीं रहता है, अंतिम का 1 महीना का संघर्ष याद रहता है कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं। आप लोगों को क्या करना है, पूरा दम लगा के जितना है उतना बस 1 महीना लगा दीजिए। सही बता रहा हूं कि पूरा एकदम समझिए कि
ख़त्म हो जाएगा कहानी। स्टडी तो हो गया, इस हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करना है, टाइम टेबल आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पर टाइम देना है, और कैसे कैसे देना है आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या देखिए, कोई भी स्टूडेंट को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कोनो स्टूडेंट को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, तो वैसे स्टूडेंट अपना टाइम देख लेंगे कि हाँ हम कब पढ़ने में ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, दिन में कि रात में, उसके अनुसार आप लोग खुद टाइम करिए मैनेज। ये किसी दूसरे पर्सन का टाइम मत करिए मैनेज कि हाँ वो उस टाइम पढ़ता है तो हम उस टाइम पढ़ेंगे। आप लोग अपना कैपेसिटी देख लीजिए कि हाँ हम दिन में कर सकते हैं या रात में कर सकते हैं, उसके अनुसार आप लोग अपना टाइम टेबल बना लीजिए। हाँ यह मत बनाइएगा ना कि हाँ हमको 12 से 2 ये पढ़ना है, 12 से 2 में कोनो काम होगा तो काम नहीं होगा, काम कर लेना है। आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि हमको मैथ आज दिन में कैसे हूँ 2 घंटा पढ़ लेना है, केमिस्ट्री 2 घंटा कैसे हूँ पढ़ लेना है, चाहे जब पढ़िए आप लोग, ठीक है ना, फिजिक्स 2 घंटा पढ़ना है, कब पढ़ना है आप लोग देख लीजिए, लेकिन हाँ डेली पढ़ना है। उसके बाद यह क्या लिखा है, आप लोग भी कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि अब की बार मेहनत सबसे बेजोड़ तरीका से होगा और सबसे खतरनाक होगा। अब हम क्या करेंगे समझिएगा कि आप लोगों का कल सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक 3 घंटा लाइव चलेगा मैथ का, ठीक है ना, और चुटकियों में एनसीईआरटी बुक का रिवीजन हम करा देंगे 3 बार, याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का 3 बार रिवीजन कराएंगे, 3-3 घंटा पढ़ाएंगे सुबह में, क्योंकि एनसीईआरटी से बाबू क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, क्योंकि बिहार बोर्ड पूरा चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई अदर बोर्ड हो, तो आप लोगों का एनसीईआरटी बुक ज़्यादा फॉलो करता है, ज़्यादा 80%, तो हम लोग पहले 80% को धरेंगे, हाँ 20% के लिए वीडियो आ ही रहा है। तो 4 बजे आप लोगों का सुबह में मैथ का क्लास चलने वाला है, डेली चलेगा 4 से 7 3 घंटा, और 3 घंटा में क्या करेंगे कि हम आपका वह क्वेश्चन लाएंगे जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड या कोई अदर बोर्ड एग्जाम हो जो ज़्यादा क्वेश्चन को टच करता है, जिस क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट को वह प्रत्येक 5 साल में क्या कर रहा है मतलब कि घुमा रहा है, उसी को घुमा के पूछ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लाएंगे। और आप लोग क्या करना है कि बस रिविज़न करना है और आप लोग को अपना स्पीड बढ़ाना है, और स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को बनाना है, न्यू क्वेश्चन अब आप लोगों को नहीं बनाना है। अब आप लोग क्या करिए, कोई अदर बुक आप लोग फॉलो मत करिएगा, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक ही क्या करना है फॉलो करना है, और करा के 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरा एकदम बढ़िया से, 3 से 4 बार, कम से कम 3 बार, 4 बार नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम 3 बार आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, फुल एक किताब को 3 बार बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लेना है। और आप लोग भी बाबू कर सकते हैं, हार मत मानिएगा, हार नहीं मानना है, पूरा दम लगा कर जितना अंदर है ना उतना मेहनत करना है, बस करके दिखा देना है कि ना हम लोग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को कमज़ोर से मानते हैं, कमज़ोर नहीं मानना है, बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, हम है ना, हम पूरा आपका मैथ पूरा फिजिक्स आप लोग का अकेले रिवाइज करा के देंगे इस 28 दिन में, तो आप लोग 28 दिन में पूरा तैयार रहिएगा, पूरा फुल एनर्जी के साथ, पूरा जोश और जुनून के साथ, पूरा समझिए कि अब बर्बाद कर देना है। अब कैसे होगा, सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लाएंगे, आप लोगों को बनाना है, बस इसी तरीका को फॉलो करते हुए पूरा आप लोग का मैथ फिजिक्स जो भी है आप लोग का पूरा निपटारा हो जाएगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि हार्ड वर्क तो करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से, और स्मार्ट तरीका फिर बता रहे हैं क्या है कि आप लोग पिछले 5 साल का आए हुए क्वेश्चन को देखिए कि हाँ आप लोगों का 5 साल में जो एग्ज़ाम है वह किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा टच कर रहा है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पकड़ रहा है, बस उसको धारिए और पूरा रिवाइज करिए। एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में कुछ नहीं है, आप लोग जो पढ़े हैं वही लिखना है, ऐसा थोड़े कि आप लोग घरवा पर लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में नहीं लिखाएगा। और क्वेश्चन का जब आंसर लिखना है बाबू लोग ना, तो आंसर जो आप लोग कॉपी में लिखे हैं कॉपी साफा बंद कर दीजिए और अपने मन से लिखिए। जब आप लोग अपने मन से आंसर लिख देंगे ना, जब आप लोग अपने मन से मैथ बना देंगे तो एग्जामों में लिख के देता हूँ उन लोग के बनेगा, लेकिन जो छाप रहा है आज ना वो एग्जामों में छापने के लिए तरसेगा। और आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग को मैथ अपने मन से बनाना है, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है वह आप लोग को अपने मन से लिखना है कि हाँ हमको याद
है तो हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। यदि आप लोग घर पर लिख दे रहे हैं तो एग्जाम में भी लिखेंगे, ये 100% गारंटी है। बस यही कहेंगे कि टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें 28 दिन, और दिखा देना है इस जमाना को कि हम भी हैं गांव के जो बहुत कुछ कर सकते हैं। और बस हार नहीं मानना है, पूरा समझिए कि जोश जुनून लगा पूरा दबा के करना है, मेहनत जितना हो जाए उतना, ठीक है ना। बाकी हम आप लोग के सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, और डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक फील्ड में हम हैं कोहराम मचाते रहेंगे। मिलते हैं आप लोग के लिए सुबह 4 बजे, तैयार रहिएगा। पूरा फिजिक्स मैथ पूरा दबा के चलने वाला है रिवीजन। केमिस्ट्री का भी चिंता मत करिए, आप लोगों का सेलेक्टिव क्वेश्चन हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं सुबह 4 बजे। जय हिंद।